सोचो ये है इंटरेस्टिंग होने का लेवल और ये है तुम्हारा वीडियो। नहीं समझे तो आ जाओ वीडियो में। वीडियो इंटरेस्टिंग ना होना इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। लोगों का अटेंशन एंड पेशेंस बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल। वो क्या था? छोड़ो। तो हम थे अटेंशन पे, जो एक चीज के ऊपर टिके रहना उसके इंटरेस्टिंग और यूनिकनेस पे डिपेंड करता है। अब कंटिन्यूअसली हर बार यूनिक चीजें आता रहेगा तो आयरोनिकली वो यूनिक नहीं होगा। लाइक अभी जो तुमने देखा वो थोड़ा यूनिक था। तुम लोग ऑडियंस की अतिरिक्त प्यार से ये मैं कन्फर्म कर सकता हूँ, बट अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो खैर, ये दुनिया द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, इसका ही लेन देन होता रहता है और इस सेंचुरी में इन्फॉर्मेशन आर ह्यूज, चाहे वो किसी भी चीज का हो। स्कूल लाइफ इज ईजी, उसमें सिर्फ पेपर में ही फेल हो सकते हो, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। अब सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए ही नहीं, वीडियोस के लिए भी टारगेटेड टू मेक द इन्फॉर्मेशन शॉर्ट क्रिस्प एंड प्रिसाइज फॉर द ऑडियंस। हाँ, कुछ चीज़ों का लेंथ छोटा होने पे असर ज़्यादा होता है, क्योंकि टेक्निक ही मेन है, खासकर इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का टेक्निक। बट वी कैनॉट कंट्रोल द इन्फॉर्मेशन, और कैन वी? अब टेक्निक से आई मीन एडिटिंग से वीडियो को कूल या फास्ट बनाने का नहीं, इन्फॉर्मेशन जो तुम उसे पूरा ही देना है। बट कोई भी वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन को लेते हैं लाइक स्टार्टिंग, मिडिल एंड एंड एज अ स्टोरी। तुम्हें नोटिस करने की जरूरत नहीं है, ब्रेन को पता चल जाता है कि कौन से चीज एकदम ऑपोजिट है। किसके ऑपोजिट? वेट, याद है स्कूल का पेपर वाला इन्फो? तो ये भी याद होगा कि कुछ लोग अभी भी स्कूल में ही हैं। जानते ही हो कि पेपर्स में स्टार्टिंग और एंड को मस्त लिखना होता है। मिडिल को लंबा कर दो, भर दो उसमें चीजें। अब इसी चीज का एग्जैक्ट ऑपोजिट करना है वीडियोस पे। स्टार्टिंग और एंड को थोड़ा क्रिएटिव दिखा सकते हो, बट मिडिल को स्ट्रेच नहीं करना है, उसे प्रिसाइज रखना इज द टेक्निक। जो पूरे वीडियो को एक ही बार में नहीं, छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर करना है, तो हर सेक्शन एक स्टोरी की जैसा हो जाएगा। और स्टोरी अगर चेंज होता रहेगा ऑडियंस के लिए तो इट विल सीम मोर इंटरेस्टिंग, जो और भी इंटरेस्टिंग होगा इफ यू कैन। उस वीडियो को छोटे छोटे सेक्शंस में बना के उसके अंदर ये टेक्निक ट्राई करना है। मतलब जो तुम लिख रहे हो या बोल रहे हो उस पे जरा सी फोकस करने पे ही देखना, पूरा सेंटेंस सिर्फ शॉर्ट ही नहीं क्रिस्प और प्रिसाइज भी हो जाएगा। वर्डिंग्स पे जरा सी फोकस, बस सेंटेंस हो जाएगा शॉर्ट क्रिस्प प्रिसाइज, जिसके एंडिंग पे एक सॉफ्ट कनेक्टिंग ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट स्टोरी और सेक्शन। क्योंकि स्ट्रेच पैरों के लिए अच्छा हो सकता है, दिमाग के लिए नहीं। बड़ा इन्फो इनटू छोटा स्टोरीज लाइक समरी ऑफ एवरी सेक्शंस। और हर चीज को अगर समरीज की तरह ही देखोगे ना, तो वो सिर्फ शॉर्ट और यूजफुल ही नहीं, इंटरेस्टिंग भी होता रहेगा। लाइक बुक्स को बुक समरी, उसको पढ़ना नहीं सुनना, इंग्लिश में नहीं अपने कोई भी रीजनल लैंग्वेज में। कैसे? कुकु एफएम की 4000 प्लस नॉन फिक्शन कॉन्टेंट की ह्यूज लाइब्रेरी से। साउंड्स लाइक ए सुपर पावर which is also your attitude, which is also a 200 pages book, जिसका हिंदी समरी, जिसमें कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड सपने को पूरा करता है, जिससे एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्यूरियोसिटी, मैनेजमेंट, रिस्क जैसे चीजों पे कंट्रोल लाया जा सकता है। ये सब है और भी बहुत कुछ है एक्चुअली, जो तुम सुन सकते हो कुकु एफएम पे एटीट्यूड इज योर सुपर पावर बुक समरी से, सिर्फ मेड इन इंडिया ऐप एंड 4.5 प्लस रेटिंग एंड इंडियाज लीडिंग ऑडियो शोस प्लेटफॉर्म ही नहीं, कुकु एफएम 50% ऑफ दे रहा है एनुअल सब्सक्रिप्शन पे पहले 250 लोगों को मेरा कूपन कोड Any50 यूज करने पे। सो डाउनलोड कुकु एफएम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड यूटिलाइज योर टाइम। जो ऑडियंस को भी समझाना है ना कि टाइम यूटिलाइज हो रहा है। बाय। वीडियो की कोई भी पार्ट पे टाइटलिंग कर रहे हो किसी चीज के लिए या किसी स्पेसिफिक वर्ड्स पे एम्फेसिस डाल रहे हो, तो एक बार ही करो, या तो लिख के या बोल के। जैसे इस सेक्शन में मैंने टाइटलिंग कर दिया, सो बेसिकली नॉट रिपीटिंग एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन को चीजें समरी के हिसाब से आएगा ना, तो ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली टाइम सेविंग कैटेगरी में डाल देगा। बट द प्रॉब्लम इज, वेल दो है एक्चुअली, कनेक्शन जो धीरे धीरे तैयार होता है एक क्रिएटर के साथ उसके ऑडियंस का, दैट इज हाउ एक कम्युनिटी बिल्ड होता है। टेक्निक और तेजी तुम स्क्रिप्ट पे ला सकते हो, बट इमोशंस पे ना जल्दबाजी काम नहीं करता। अपने हिसाब से, अपने तरीके से खुल के बात करोगे ना, देन ओनली यू कैन डिस्कवर योर ओन स्टाइल, जिससे ऑडियंस कम्युनिटी के हिसाब से अट्रैक्ट होंगे। बट न्यू व्यूअर्स के लिए भी सोचना है कि उन्हें क्रिस्प इन्फॉर्मेशन मिलता रहे विथ मेंटेनिंग योर ओन स्टाइल। हार्ड है, बैलेंस करना,
इसीलिए ना उसी को करना है। आसान चीज़ें सक्सेस को पसंद भी नहीं आता, तो बैलेंस बोथ साइड्स, इंस्टाग्राम की तरह नहीं, सही से करना है ताकि किसी को तकलीफ ना आए, नया हो या पुराना। बट प्रेशर लेस, जस्ट ट्राई, ट्राई टू अमेज योर ऑडियंस बाय बैलेंसिंग, ट्राई टू अमेज मी बाय एंड ट्राई टू अमेज योर सेल्फ बाय डाउनलोडिंग कुकू FM, यूज एनी 50 फॉर 50% ऑफ फॉर एन एंटायर ईयर। बट ऑलवेज रिमेंबर, ज़्यादा फास्ट और शॉर्ट इन्फो देने पर लोग इन्फॉर्मेशन जल्दी भूल भी जाते हैं। मैंने बोला था प्रॉब्लम्स दो है, बट द प्रॉब्लम इज, वेल दो है एक्चुअली।